Hey guys, welcome back. So, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मुझे ब्लॉगिंग का वीक नहीं आता है, फिर भी मैंने ट्राई किया है थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने का, सो प्लीज़ बेयर विथ मी. सो मेरी कॉन्वोकेशन CA बनने के फाइनली एक साल बाद हुई ड्यू टू कोविड ऑन 4th April 2022, एंड आई वॉज अ सेंट्रल स्टूडेंट, सो हैव ऑप्शन टू चूज माई लोकेशन अमंगस्ट कानपुर, जयपुर एंड इंदौर. सो ऑब्वियसली आई चूज इंदौर, एंड वी रीच इंदौर ऑन 3rd April. उसके बाद हम लोग घूमने गए, जिसमें मुझे पता है किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द कॉन्वोकेशन डे. सो यहाँ पर हम रेडी हो रहे हैं एंड स्ट्रगल कर रहे हैं साड़ी के साथ. तो हम लोग अभी साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा मशक्कत कर रहे हैं. लाइक हम लोगों ने ये ऊपर की लेग्स बना लिए, बट नीचे की देखो इसको वायु जैसे इसने रेस ली है, अभी नीचे की प्लेट से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है. एंड मुझसे नीचे की प्लेट्स बिल्कुल भी नहीं बन पा रही थी, सो फाइनली CA पल्लवी राजपूत केम टू रेस्क्यू. एंड देन हमने DAVV जाने के लिए कैब ली, एंड एट दिस मोमेंट ये जो इसने मुझे दूध दिया था ये मेरी साड़ी के ऊपर गिर गया था जब मैं इसे पी रही थी. तो एंड देन हमने कैब ड्राइवर ने जो है वो बाहर तक छोड़ दिया था. सो यहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर अंदर चल के जाना था DAVV के ऑडिटोरियम के लिए. सो हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया. कैसा लग रहा है तुम लोगों को? धूप लग रही है फिलहाल तो. बहुत ही एक्साइटेड हैं हम, और और फिर हम पहुंच गए हमारे स्पॉट पर. सो दिस वाज द ऑडिटोरियम. यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे थे एंड हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, बट मुझे देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा था. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि इतने सारे लाइक सेम कम्युनिटी के लोग मतलब इकट्ठे हुए हैं. सबसे अच्छी फीलिंग तो ये आ रही थी कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ जिसने साड़ी पहनी है, और भी लोग हैं. यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स थे, सो पहले हमने वो एक्सप्लोर करे. यहाँ पर नंबर वाइज लिखे हुए हैं, यहाँ है आपको सर्टिफिकेट किट वगैरह सब मिलेगा, और ये ड्रेस मिलेगी जो ये लोग ने पहनी हुई है. सो मेरा नंबर है 4553 52. सो मैं इस वाले स्लॉट में आती हूँ. So I'm going here. फिर मैं लाइन में खड़ी हो गई, एंड आई थिंक 15 या 20 मिनट मुझे वेट करना पड़ा था, एंड देन उसके बाद मेरा नंबर आ गया था. सो यहाँ से मुझे कलेक्ट करना था मेरा मेंबरशिप सर्टिफिकेट, क्योंकि वो मेरे पास अभी तक नहीं आया था. सो मैंने यहाँ से लिया मेंबरशिप सर्टिफिकेट, मेरी मेंबरशिप किट और लंच का कूपन, एंड जो सीट हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो. सो यहाँ बस हमें मेंबरशिप कार्ड दिखाना होता है, देन साइन करना होता है, एंड आप लोग को वो मेंबरशिप सर्टिफिकेट किट और सारे कूपन्स वगैरह सब कुछ दे देते हैं. तो ये सब कलेक्ट करने के बाद मैं कलेक्ट करने गई गाउन. यहाँ पर था ये गाउन का काउंटर. सो यहाँ पे जस्ट अभी एक हम लोगों ने पर्ची फिल करी, देन 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, एंड यहाँ से हमें ये गाउन मिल गई है. इसके बाद ये है पल्लवी दी गाउन बनाते हुए, अभी ये मुझे बनाएगी. और मैंने मेरी मेंबरशिप सर्टिफिकेट किट वगैरह सब ले लिया, और सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया. इतना सारा सामान है हाथ में पकड़ने के लिए अभी. फिर उसके बाद हम लोग गए लंच करने के लिए. सो ICI का लंच एज यूजुअल अच्छा ही होता है हमेशा. सो यहाँ पर हमने हमारा कूपन दिया एंड लंच किया बढ़िया पेट भर के. उसके बाद हम लोग गए ऑडिटोरियम की तरफ. सो ऑडिटोरियम के अंदर सीट नंबर्स अलॉटेड थे, एंड मेरा सीट नंबर था 1118, जो कि बहुत ज़्यादा पीछे था. एंड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था आई थिंक 3 बजे, तो मुझे पता था कि शाम हो जाएगी मेरा नंबर आते आते. सो मैं स्टेज तक नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे भोपाल के लिए भी निकलना था. उसके बाद हम लोगों ने हमारी सीट ढूंढी एंड हम हमारी सीट से बैठ गए. और हॉल के अंदर घुसने के बाद इतना प्यारा माहौल लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही थी. ऐसा लग रहा था लाइक यार हमने सच में कुछ अच्छा सा कर लिया, बहुत कुछ बड़ा सा अचीव कर लिया है, बहुत कुछ उखाड़ लिया है लाइफ में. मतलब बहुत प्यारी फीलिंग आ रही थी. फिर यहाँ पर स्पीच चल रही है. I shall be fair, just and honest, fair, just and honest, in my dealings with all the stakeholders, in my dealings with all the stakeholders, and shall always maintain confidentiality, and shall always maintain confidentiality. उसके बाद 2020 के स्लॉट्स में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुए.
फिर हम लोग बाहर गए, कुछ वीडियोस बनाई एंड बहुत सारी फोटोज खींची. सो दिस इज मी इन द कॉन्वोकेशन गाउन, मी विद द साड़ी, मी विद द साड़ी ट्राइंग टू गिव डिफरेंट पोज. दिस इज अस इन द फोटो बूथ. दिस इज मी विद माई आर्टिकल शिप फ्रेंड्स, मी विद द वन जिसने सारी फोटोज ली हैं, मी विद द बिग फोर एम्प्लॉयज, मी विद द सेलिब्रिटी फ्रेंड, एब्सोल्युटली नो नीड टू इंट्रोड्यूस हिम, मी इन द धूप ट्राइंग टू गेट फेयर फेस बट फेल्ड इन दैट, मी इन द होटल लुकिंग एब्सोल्युटली लाइक अ रिसेप्शनिस्ट, me trying to get a candid thumbnail and I actually got that, us taking selfies hoping that some filters will do some magic on our face, and this is me with my Infosys colleagues. I saw them first time in person, me with my school friend, he specially came to meet me with Sanjay Khayani, inhone meri bahut zyada help ki thi interview preparations mein, so thank you so much bhaiya for that. So that's it. This was the end of this blissful day which every CA student see in their dreams. Teri wo raftaar ho, roke se bhi tu na ruke, haasil kar aisa shikhar, parvat ki bhi nazrein uthein.